गोवर्धन से तस्करी के लिए ले जाई जा रही गायों से भरी कैंट्रा गाड़ी एक मोड़ पर पलट गई, जिसके चलते करीब आधा दर्जन गौवंश की मौत हो गई और गायें घायल भी हुई। वहीं गाड़ी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। गोवर्धन से कैंट्रा गाड़ी रात के समय गायों से भरकर बरसाना क्षेत्र की तरफ जा रही थी, तभी पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर गोवर्धन से ही गाड़ी का पीछा किया। गौतस्करों ने सभी को भ्रमित करते हुए गायों से भरी गाड़ी को कमई वाले रोड पर लगा दिया। तभी गाड़ी काफी स्पीड में थी, मोड़ पर गाड़ी का बैलेंस खराब होने के कारण गायों से भरी हुई गाड़ी पलट गई, जिसमें करीब 18 गाय बताई जा रही हैं, जिसमें 5 गाय जीवित हैं, लेकिन उनको काफी चोटें आई हैं और बाकी सारी गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर मौजूद गौरक्षक दल के सदस्य चंद्रशेखर बाबा ने बताया कि गायों को गोवर्धन से ही गाड़ी में भरा गया था। सूचना मिलने पर बरसाना पुलिस ने समय पर पहुंचकर गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी के पलट जाने के बाद गौतस्कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर जिन्होंने गाड़ी का पीछा किया था उन पर फायरिंग भी हुई है। फायरिंग के साथ साथ गाड़ी पलटने से गौतस्कर मौके से फरार हो गए, उनकी जाँच जारी है। मैं चंद्रशेखर बाबा, गौरक्षक दल फरसा वाले, ये हमारा परिचय है गौरक्षक दल। ये मामला यहाँ पर क्या मामला हुआ बाबा? ये ऐसा हुआ प्रभु जी कि ये कुछ तस्कर ये गोवर्धन से मतलब गायों को भर करके चले, तो कुछ गोवर्धन के जो हमारे बच्चे टीम के थे उन्होंने इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद हमारी चारों बगल इनकी सूचनाएं हो गई, हमारे पास भी सूचना हो गई, संकेत बरसाना जहां भी सूचना थी इनकी सूचना हो गई। हम लोगों ने इनका पीछा करने की चेष्टा की, इन्होंने डायरेक्ट फायर ठोके, बरसाना प्रशासन भी साथ हो लिया मेरे। तो अब ये क्या हुआ कि इन्होंने भ्रमित करके जो डिसबैलेंस गाड़ी होने के कारण ये गाड़ी पलट गई, ये फायदा उठाकर थोड़ा यहाँ से निकल गए, लेकिन इन्होंने हम पर बहुत फायर की। ये दुर्दशा पत्रकार महोदय गायों की हुई है और ये अक्सर करके इसी दुर्दशा में हो करके निकालते हैं। हमको मतलब 11 बजे आने के बाद हम पूरी रात रहते हैं, 5 बजे तक जाते हैं, ये कभी गाड़ी तोड़ते हैं हमारी, कभी हम पर फायर करते हैं, लेकिन हम अपनी हिम्मत से फरसा से लाठी से डंडे से मतलब पत्थर डाल करके या लक्कड़ डाल करके इनको रोकने की चेष्टा करते हैं। ये गाड़ी किधर जा रही थी बाबा, किधर से आ रही थी? ये गाड़ी आ रही थी गोवर्धन से, तो इसका पीछा प्रशासन ने भी किया और हमने भी किया, तो ये प्रशासन की गाड़ी पे भी ठोंक दी, हमारी मतलब मोटरसाइकिल वगैरह सब ठोंक दी होती इन्होंने। एक गाड़ी आ रही थी हमारे गौरक्षक दल तो गोवर्धन वालों को, उसमें भी ठोंक दी होती गाड़ी। फिर इसको घेराव करते करते तो ये उल्टी भाग रही थी करेला साइड, तो करेला साइड आने से दूसरी साइड ये भ्रमित करके ये गाड़ी डिसबैलेंस होने से ये हड़बड़ा गए, ये गाड़ी पलट गई। कोई पकड़ा गया इसमें? इसमें कोई नहीं पकड़ा गया, पकड़ा नहीं गया, पकड़ा जाता तो हम प्रशासन को सुपर्द करते। करीबन कितनी गायों की संख्या होगी? ये 17-18 की संख्या है जिसमें 5 बच्ची है, 19 की संख्या है जिसमें 5 बच्ची है, बाकी शरीर पूरा कर गई।